Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ZTV के शो कुंडली भाग्य में अब जल्द ही होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा कि आखिरकार अक्षय का खून किसने किया है। और इस बात को भी साफ किया जा चुका है कि उसकी दोषी प्रीता बिल्कुल नहीं है। तो आपको बता दें कि अक्षय का खून करने वाला जो गुनहगार है, पुलिस के मुताबिक वो होने वाला है पृथ्वी। जी हाँ, पुलिस ने इस बात को ढूंढ निकाला है कि उस दिन प्रीता और कृतिका के साथ साथ पृथ्वी और शर्लिन भी होटल में मौजूद थे, जिसके बाद अब काफी ज्यादा तहकीकात करने के बाद, खंगालने के बाद और सीसीटीवी फुटेज के बैकअप फुटेज में से देखकर अब पुलिस पहुंच जाने वाली है पृथ्वी के पास, जिसके बाद अब पृथ्वी पहुंचने वाला है सलाखों के पीछे और प्रीता को मिलने वाली है बेल, जिसके बाद लूथरा हाउस में तो एक बड़ा और हैरतअंगेज खुलासा होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा कारनामा करके आया इस बात की खबर तो किसी को भी नहीं थी। लेकिन करण और प्रीता के लिए तो खुशियां लौट आई है, क्योंकि प्रीता निर्दोष साबित हो गई है। अब सच में पृथ्वी ने ही अक्षय का खून किया है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट से जरूर बताएं आपके क्या विचार है और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।